हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और आज मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अभी हम लोगों की इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। हम लोगों ने पहले दो पार्ट्स में देखा, पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, पहला पार्ट हमने देखा। दूसरा पार्ट हमने देखा कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आप लोगों ने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग अपने ही इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये चालू करने चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम ये चीजें नहीं जानेंगे तब तक हम सेंटेंस को सही ढंग से फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ, इंग्लिश, साइंस, तीनों चीजों की अप टू क्लास 10th तक के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का सबसे पहला, अगर सेंटेंस को हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। मैं इसको स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो पहला मैंने सेंटेंस लिया, ठीक है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस में से उसका सब्जेक्ट और उसका प्रीडिकेट अलग करना होता है। सबसे पहले क्या करना, अलग करना है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा सेंटेंस है बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, इसका क्रिया पता लगाओ, इसमें क्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्रिया। क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया। तो इसमें अगर देखें तो हमें खेलते, खेलते से पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है या कोई कार्य हो रहा है। तो जब भी आप क्रिया से पूछोगे कौन, जब भी आप क्रिया से पूछोगे कौन, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। तो अगर यहां मैं पूछूं कौन खेलता है, तो कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया, चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रन, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा उसको क्या कहा जाएगा, प्रीडिकेट, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रीडिकेट। तो सबसे पहले हमने क्या पता लगाना देखा कि हम सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, है ना, सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे। तो यदि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में से आप क्रिया शब्द का पता लगाओ और क्रिया से पूछो कौन, क्रिया से पूछो कौन, जैसे ही आप पूछोगे कौन तो वो ऑटोमेटिक बताएगी आपको कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, सब्जेक्ट। और जब हम क्रिया से पूछेंगे क्या या कहां, क्या या कहां, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या या पूछोगे कहां, क्या या कहां पूछोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका ऑब्जेक्ट। तो यहां मैं पूछता हूं खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो पता या क्या तो इसमें है नहीं, तो पूछेंगे कहां खेलते हैं, तो मैदान, तो ये क्या मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में से मैंने आपको तीन चीजों का पता लगाना बताया, सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, प्रीडिकेट कैसे पता लगाएंगे, और प्रीडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे। तो आप किसी भी सेंटेंस को देखो, सेंटेंस में से आप उसमें क्रिया का पता लगाओ और क्रिया से पूछो कौन, जब आप पूछोगे क्रिया से कौन तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, और जो बाकी सेंटेंस बच गया वो क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट में से भी अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो आप क्रिया से पूछो क्या या कहां, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, पहले सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कैसे पता लगाएंगे, पहले हम चलते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, वाक्य से
वाक्य में से क्रिया का पता लगाएंगे और क्रिया से पूछेंगे कौन। जैसे ही आप कौन बोलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी जो कुछ भी बचा वो क्या हो गया हमारा, प्रीडिकेट। वो क्या हो गया हमारा, प्रीडिकेट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग करना देखा। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फर्दर आगे चल के फिर तीन हिस्सों में बांटा गया, किसमें, डिटर्मिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको पता लगाता हूं कि डिटर्मिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड क्या होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल इज सिटिंग इन द क्लास, इज सिटिंग इन द क्लास, इज सिटिंग इन द क्लास। तो सबसे पहले आप इसमें से क्रिया पता लगाओ, यानी वर्ब। तो वर्ब मतलब सिटिंग, वर्ब मतलब सिटिंग यानी बैठना, ये क्या हो गया वर्ब। कौन बैठा है, एक टॉल गर्ल बैठी है, एक टॉल गर्ल। ये पूरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो हमने क्या देखा, पहले हमने पहले हमने क्या अलग कर लिया, सब्जेक्ट अलग कर लिया, और दूसरा क्या अलग कर लिया, प्रेडिकेट। तो जब हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रेडिकेट अलग हो गया, अब हमें सब्जेक्ट में से तीन चीज का पता लगाना है, डिटर्मिनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, मेन वर्ड क्या है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे ए टॉल गर्ल, इसमें किसके बारे में बात कही गई है, लड़की के बारे में। तो लड़की क्या कहलाएगी आपकी, मेन वर्ड। ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ड। एक्चुअली में सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट का मेन वर्ड। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट का मेन वर्ड। सब्जेक्ट तो पूरा है लेकिन लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यह क्या कहलाएगा, मेन वर्ड। तो मेन वर्ड पता चल गया। अब मेन वर्ड की विशेषता, मेन वर्ड की जो विशेषता होती है वो क्या कहलाता है, क्वालिफायर। तो मेन वर्ड की जो विशेषता होगी वो क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। जैसे टॉल गर्ल, फैटी गर्ल, है ना, या स्लिम गर्ल, है ना। तो ये सब चीजें जो मेन वर्ड की विशेषता बताएगा, मेन वर्ड को क्वालिफाई करेगा यानी उसके बारे में बताएगा, वो क्या कहलाता है, क्वालिफायर। तो हमें गर्ल के आगे क्या मिल गया, टॉल या फैटी या स्लिम, ऐसा मिल गया। तो ये सब चीजें क्या कहलाएगी, हमारी क्वालिफायर। तो जो शब्द मेन वर्ड की विशेषता बताए उसे क्या कहता है, क्वालिफायर। क्वालिफायर से भी आगे हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में क्या मिलेगा, ए एन या द। जैसे कि हमने क्या देखा, ए टॉल गर्ल, तो यहां पर ए क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर। यहां पर अगर ए एंड द इन तीनों में से कोई भी चीज यूज होती तो उसे हम क्या कहते, डिटर्मिनर। तो ए हो गया डिटर्मिनर, टॉल यानी जो मेन वर्ड की विशेषता बताए, जो शब्द मेन वर्ड की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम, क्वालिफायर। और एक्चुअली में जिसके बारे में बात कही गई हो वो हमारा क्या कहलाता है, मेन वर्ड। तो सब्जेक्ट का पता लगाओ यानी क्रिया से पूछो कौन, तो जब आप कौन पूछोगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको तीन चीजें मिल सकती है, डिटर्मिनर, क्वालिफायर या मेन वर्ड। अब डिटर्मिनर क्या होता है, ए एंड द, ऐसे शब्द जो यूज होंगे वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर। मेन वर्ड की जो विशेषता बताएगा, एक्चुअली में जिसके बारे में बात कही गई है वो क्या होता है, मेन वर्ड। और मेन वर्ड की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्वालिफायर। और जिसके बारे में बात कही गई है वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ड। अब हम चलते हैं प्रीडिकेट की तरफ। तो प्रीडिकेट में मेनली तीन हिस्से होते हैं, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। पहला क्या होता है, वर्ब, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीनों को समझते हैं। अब हम इसी एग्जांपल में आगे देखते हैं, जैसे इज सिटिंग इन द क्लास, है ना, इज सिटिंग इन द क्लास, है ना। तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें देखिए पहले क्या होगा, वर्ब होगा, पहले क्या होगा, वर्ब। अब वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल या शैल। तो ये सारे हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में पहले क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिलती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या हो सकती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, has, have, had, do, does, did, will या shall, ये सारी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ये है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का पहला हिस्सा क्या है, वर्ब, और वर्ब का पहला हिस्सा क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम चलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जिससे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि यहां पर क्या था, इज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद हमारा सिटिंग, तो सिटिंग क्या कहलाएगा यहां पर, मेन वर्ब, यानी इससे पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, कि बैठा है, कि चल रहा है, कि गा रहा है, कि खा रहा है। तो प्रीडिकेट, प्रीडिकेट का पहला भाग क्या है, वर्ब। वर्ब दो प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड या विल या शैल, ये क्या मिलता है हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब हमारा क्या होता है, मेन वर्ब में हमें क्या मिलेगा, जिस शब्द से पता चलेगा कि कोई कार्य चल रहा है, जैसे कुकिंग, बाथिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सिटिंग, तो ये सारी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब उसके बाद लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जैसे कि द क्लास, यहां पर इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, प्रीपोजिशन की लेक्चर्स आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन है, अभी उसके बारे में नहीं बात करूंगा, अभी बात करते हैं द क्लास। द क्लास यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जब आप प्रीडिकेट में जाएंगे पहले आपको मिलेगा वर्ब, वर्ब में पहले आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में मिलेगा आपको मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर यह क्या है हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है, यानी मैंने अभी बताया, जैसे हमने सब्जेक्ट का पता लगाया ना, कौन जब पूछा तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या पूछे, कैसे मिलेगा, क्या या कहां, इससे हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितनी भी निर्जीव वस्तु है, जैसे टेबल, बेंच, पेन, बुक, जितनी भी निर्जीव वस्तु है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या लाइफलेस थिंग है, वो सभी किस में आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है। तो ये क्या होता है, लाइफलेस, लाइफलेस ये क्या होता है, या नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो ये सब हमारा किसमें आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, जैसे आई का मी, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये क्या आएगा इनडायरेक्ट में, मी हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, तो ये सारी हमारी चीजें क्या आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो जितने भी लिविंग बींग हैं वो सारे अगर ऑब्जेक्ट में यूज हुए तो उनको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि कोई लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग है, जैसे टेबल, बेंच, कॉपी, पेन, तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब तक हमने क्या देखा, मेन सब्जेक्ट, आप वाक्य में क्रिया शब्द पता लगाओ, क्रिया से पूछो कौन, तो कौन पूछने में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी तीन पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। डिटर्मिनर हमने क्या देखा, ए एंड द जैसे शब्द यूज हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनर। क्वालिफायर जो मेन वर्ड की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, क्वालिफायर। और मेन वर्ड हकीकत में जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या कहलाता है, मेन वर्ड। तो सब्जेक्ट के तीन हिस्से, सब्जेक्ट को छोड़ के जो पूरा सेंटेंस सोचा वो क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में हमने क्या देखा, इसको किसमें बांटा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब क्या होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वर्ब को दो हिस्सों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वाज वर, हैज हैव हैड। और मेन वर्ब में क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहता है। तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा, या तो लाइफलेस चीजें मिलेंगी उनको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग बीइंग मिलेंगे उनको क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आप किसी भी एक सेंटेंस को देख के उसके हर एक पार्ट के बारे में बता सकते हो। मैं जस्ट अभी कवर कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैं पहले इस सेंटेंस के भी आप पर सारी चीजें बताता हूं। पहले आप इसमें से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अलग करो। तो ए टॉल गर्ल इसका सब्जेक्ट है, इज से लेके क्लास तक ये क्या है, इसका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर ए क्या है, डिटर्मिनर। टॉल क्या है, क्वालिफायर। मेन वर्ड क्या है, गर्ल। फिर आ जाओ, ये पूरा हिस्सा है प्रीडिकेट, इसमें से इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सिटिंग क्या है, मेन वर्ब। इन द क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक बात समझ में आई बच्चों। अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, फिर से बताता हूं आपको।
अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए हमें। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहेंगे इसको? पूरक। ये दो प्रकार से यूज होता है, ये कई बार डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, कई बार ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जब ये सब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा, या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा। अब हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे देखिए, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, एक सेंटेंस मैंने यहां लिया, और एक सेंटेंस मैं यहां लेता हूं, ही मेड मी मॉनिटर, ही मेड मी मॉनिटर, ही मेड मी मॉनिटर। तो मैंने दो सेंटेंसेस लिए। पहले अगर मैं पूछूं ही यानी वह, वह क्या है? ही इज ए, इस सेंटेंस में जो ये डॉक्टर है या पूरक है किसका? ही का। ही के बारे में बात जब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप आगे डॉक्टर नहीं लगाओगे, है ना? तो जब तक हम डॉक्टर नहीं लगाएंगे, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी इज ए, शी इज ए, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो जब हम बात करते हैं शी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है? वह ब्यूटीफुल है। तो जब सब्जेक्ट को पूरा, यानी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, देखिए जब तक शी, जब तक पूरा नहीं है, जब तक ब्यूटीफुल शब्द नहीं ऐड हो रहा है, तो शी को पूरा करने के लिए हमने क्या यूज किया? ब्यूटीफुल वर्ड का यूज किया। तो जब सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने बताया, ही इज ए डॉक्टर, वह कैसा है? वो क्या है? डॉक्टर है। तो वह क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर शब्द जो है पूरक है किसका? ही का। ही का पूरक है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन सब्जेक्ट का कैसा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये डॉक्टर किसी भी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? तो नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये क्या है? किसी पद का नाम है, तो ये क्या है? नाउन। तो ये क्या? ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन कॉम्प्लीमेंट है। वहीं पर हम बात करें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी क्या है? ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये शी की विशेषता बता रहा है, एक सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये उसके गुण बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो यदि कोई शब्द इस्तेमाल किया जाए जो कि सब्जेक्ट की विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार से हो सकते हैं? नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बिना कॉम्प्लीमेंट लगाए सब्जेक्ट की बातें पूरी नहीं होती है। दैट्स ऑल। तो ये हमने क्या देखा? कॉम्प्लीमेंट में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट पूरा ना हो रहा हो, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यदि कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देखिए, ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। अब क्या बनाया यहां नहीं पता है। देखिए, उसने बनाया ये तो क्लियर है, लेकिन मुझे, ना मुझे क्या बनाया, यानी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट अभी पूरा नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को पूरा होने के लिए मॉनिटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसने मुझे बनाया, क्या बनाया? तो मुझे मॉनिटर बनाया। तो यहां इस वाले मॉनिटर का मतलब इस ही से नहीं है, इस वाले मॉनिटर का मतलब इस मी से है। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट दो बातों को पूरा करता है या दो लोगों को पूरा करता है। कई बार वह सब्जेक्ट को पूरा करता है तो उस केस में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वो दो प्रकार से यूज होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह। और जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ही को पूरा नहीं कर रहा है, मॉनिटर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक इस तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा? पूरे सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट सकते हो आप, सब्जेक्ट या प्रीडिकेट।
किसी भी सेंटेंस के दो मेन टुकड़े, पहला क्या सब्जेक्ट और दूसरा क्या प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के फिर तीन हिस्से, डिटरमिनर, डिटरमिनर, दूसरा क्या है क्वालिफायर, क्वालिफायर, और तीसरा क्या है मेन वर्ड, तीसरा क्या है मेन वर्ड। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट के तीन हिस्से। प्रीडिकेट की बात करें, प्रीडिकेट को भी तीन हिस्सों में हमने बांटा, पहला वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। और वर्ब हमारी दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिर दो हिस्से, नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेंटेंसेस में सिर्फ आपको इतने ही पार्ट मिलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग आगे मिलेंगे टेंसेस। और टेंस में एक घंटे में आपको 12 के 12 टेंस कवर कराऊंगा, एक घंटे में मैं 12 के 12 टेंसेस कवर कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद अब हमें कहां चलना है, टेंस में। ओके, थैंक यू।